हेलो एवरीवन, एस आईटीडीसी इंडिया प्रेजेंटेशन भोपाल. देयर इज वन इंग्लिश कोट, आई हियर, आई फॉरगेट, आई सी, आई रिमेम्बर एंड आई डू, आई अंडरस्टैंड. तो आज हम अपनों से अपनी सी बात, हमारे प्रोग्राम एजुकेशन फीचर के प्रोग्राम वर्ड्स विद वीरेंद्रा में एक ऐसे शख्सियत से मिलाने का हम प्रयास करेंगे और उन्हें जानने का प्रयास करेंगे जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव प्रयोग करते चले आए हैं, जिन्होंने अपने जीवन को सेवा का पर्याय बनाया और सेवा को एक नए पैमाने पर डिफाइन करने की कोशिश की. और इस डिफाइन करने में उन्होंने अपनी इबारतें खुद लिखी जो कि एक नवोन्मेषिता के साथ थीं और अपना एक खुद की पुट और झलक देती थीं. तो जब हम ऐसी शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी शख्सियत जो कि एजुकेशन को अपने पैमाने पर अपने तरीके से देखना चाहते हैं और हिंदुस्तान के लिए एक डेडिकेटेड रिजल्ट के रूप में काम करना चाहते हैं, तो आपकी एक मुलाकात आज होगी हमारे मेहमान प्रोफेसर विजय अग्रवाल, डायरेक्टर NIEEE भोपाल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स एंड ट्रेनिंग रिसर्च. ये एक ऐसा नाम है जो टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग में लगातार प्रमोशनल एक्टिविटीज़, इनोवेटिव एक्टिविटीज़ और बात करें टेक्निकल एक्सपर्टाइज, R&D, HRD के क्षेत्र में, तो उसको बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहा है और प्रदेश में सफल हुआ है. वेलकम ITDC. इस बार ये वाले शॉर्ट्स में मध्य प्रदेश वाला सॉन्ग की कोशिश कर रहे हैं, वो आएगा. वेलकम ITDC. थैंक यू. आइए, आपका एक बार फिर स्वागत अपनों से अपनी से बात में. चलिए. वेलकम ITDC, एक बार फिर स्वागत अपनों से अपनी सी बात. मेरा प्रोग्राम वर्ड्स विद वीरेंद्रा, जैसे कि आप जानते हैं टेक्निकल एक्सपर्टाइज में हम लोग प्रदेश के लिए वो एक छानबीन की, एक अन्वेषण की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम देश को क्या दे सकते हैं ये हम बताना चाहते हैं. हमारे पास विपुल संभावनाएं हैं, हमारा प्रदेश पूरी तैयारी के साथ है और डेडिकेटेड अप्रोच के साथ हमारे पास बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, देश की बड़ी टीम काम कर रही है. तो मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ प्रोफेसर विजय अग्रवाल. हेलो सर. नमस्कार. ITDC इंडिया आपका स्वागत करता है एक बार फिर हमारा टेक्निकल एक्सपर्टाइज का जो प्रोग्राम है जी. तो सर, मैं आपके लिए जहाँ तक मैं जाता हूँ जानता हूँ, मैं शुरू करते समय बस यही कहूँगा कि एक बहुत अंग्रेजी में कहावत है, आई कम, आई सॉ एंड आई कॉन्कर्ड. तो ये आप पर बहुत सटीक बैठती है. जीवन में आपने इसी तरह से काम किया, एक डाउन टू अर्थ पर्सनलिटी के रूप में रहे आप और इसके बाद आपने इस मकाम पर पहुँचाया NIEEE को, जहाँ इसे नेशनल प्रेजेंस हम देखते हैं और उसे महसूस कर पाते हैं. तो इसके लिए आप सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं ITDC. मैं अपनी तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ITDC में आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, इस देश में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में आपसे कुछ बात कर सकें. जी, अभी जो ITDC कहता है, जैसे आज आप हमारे इस प्रोग्राम में फिर से मेहमान हैं जी, जो आपका विज़न है, हम जब NIEEE का बिल्कुल पुराने समय से बात करें, 60s के दौर से बात करें, तो वो कहता है कि सब टू बी द वर्ल्ड क्लास लीडर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सिस्टम कैटरिंग टू द चेंजिंग नीड्स वाइल अचीविंग हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, क्वालिटी, प्रोफेशनल वैल्यूज एंड कंट्रीब्यूटिंग टू टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री. अगर हम इस विजन को एकदम से फोकस करते हैं जी, तो आप शुरुआत कैसे करना चाहते हैं? क्या NIEEE उस लेवल तक, उन हाइट्स को छू रहा है जिसकी आप बात करते हैं? निश्चित रूप से हम उस हाइट्स तक पहुंच रहे हैं जिसकी अपेक्षा हमारे पूर्ववर्ती लोगों ने किया था. आप देखिए कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से टेक्निकल एजुकेशन में वृद्धि हुई. 3,500-4,000 की संख्या से बढ़कर आज हम 3.5-4 लाख लोगों का एडमिशन कर रहे हैं इंजीनियरिंग सिस्टम में. 3.5 मिलियंस की बात कर रहे हैं. और इतने बड़े पूरे के पूरे टेक्निकल एजुकेशन में जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या बढ़ गई, पॉलिटेक्निक की संख्या बढ़ गई, हमारी अपेक्षाएं भी बढ़ गई, इंडस्ट्रीज की अपेक्षाएं भी बढ़ गई.
टेक्नोलॉजी जिस जमीन पर थी वहां से नमालूम कितनी ऊंचाई पर पहुंच गई। बिल्कुल। तो इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैन पावर तैयार करना, ऐसे इंजीनियर्स तैयार करना जो उस नई से नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करके हमारे नेशनल ग्रोथ में और पूरे की पूरी दुनिया के ग्रोथ में आगे आ सकें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर हमारा देश इसके लिए तैयार नहीं होता तो जो तरक्की हमने आज किया है वो शायद नहीं हो पाता। बिल्कुल। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि अभी भी हमारी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। हाँ। अभी दिल्ली बहुत दूर है। बिल्कुल। और आसमान की ऊंचाइयां छूना तो दूर, अभी हम शायद उस अंतरिक्ष की गहराई का भी अंदाज नहीं लगा पा रहे हैं जो अभी आने वाले समय में होने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको अपने विद्यार्थियों को, अपने टेक्निकल एजुकेशन सिनेरियो को उस जहां पर जिस हाइट में आगे 10 सालों में पहुंचना है, हाँ। उसको विजुअलाइज करके भी काम अभी से शुरू करना, उसी की तैयारी करनी है हमें। हाँ। क्योंकि हमें बागड़ पहले लगानी पड़ती है खेत भरने के पहले। जी। और दूसरी बात ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जिस तरह की योजनाएं बनाई है, तो आप देखिए कि सिर्फ योजनाएं सरकारी योजनाओं में बना देने भर से कुछ नहीं होता जब तक कि जनता का पार्टिसिपेशन नहीं है, जागरूकता नहीं है। तकनीकी शिक्षा में एक भेड़ चाल चल रही है। बच्चों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना है तो एक साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चले जाते हैं। सिविल में जाना है तो एक साथ सिविल का बूम आता है। मैनेजमेंट में जाने की बात करते हैं, एक साथ मैनेजमेंट का बूम आता है। लेकिन उनकी जो नीड एनालिसिस है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज की डिमांड के हिसाब से आज बच्चा एडमिशन ले रहा है, 5 साल बाद उसकी डिमांड कहाँ होने वाली है। हाँ। उसकी एनालिसिस अगर वो करके अभी नहीं आएगा तो फिर वो बेरोजगार हो जाएगा। बिल्कुल। तो अभी ये जरूरत है कि भेड़चाल की तरह से हम नहीं जाएं, हम बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस दें। हाँ। उनकी काउंसलिंग करें कि बेटा 5 सालों बाद तुम्हारे लिए ये सुविधाजनक ब्रांच है और यहाँ पर तुमको जाना चाहिए। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि बच्चों को यही नहीं पता है कि वो पढ़ क्यों रहे। इंटरमीडिएट कर लिया, बीएससी कर लिया, आप सोच रहे आप चलो इंजीनियर बन जाते हैं। जी। तो आपको अगर कुछ तय करना है तो सही समय जो है वो जब आपकी उम्र 14 साल की होती है, 15 साल की उम्र होती है, तब आपको तय करना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। टीनेजर में हमें सोचना है तो फिर आप अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आपकी क्षमता एक बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कोर्स के लायक नहीं है। हाँ। तो फिर आप व्यर्थ समय गंवाकर उधर मत जाइए। जी। अगर आपको लगता है कि स्किल डेवलपमेंट करके आप कोई अच्छा काम कर सकते हैं। हाँ। तो फिर स्किल डेवलपमेंट करिए, क्योंकि पूरी दुनिया आज स्किल के तरफ जा रही है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स भी तैयार किए जो उनकी किस तरफ रुझान इसको पकड़ना चाहता है, जो हर साल जनवरी में करा रहा CBSE, जिससे उनका रुझान पता चले। देखिए अभी अभी पिछले दिनों NSDC नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से एक सर्वे हुआ और ये तय पाया गया भारत सरकार की ओर से कि अगले आने वाले 20-22 तक हमको 500 मिलियन लोगों को रोजगार के लिए ट्रेंड करना है। जो सेक्टर्स तय किए गए हैं वो सेक्टर्स सब जानते हैं, उन सेक्टर्स के लिए अभी से स्किल डेवलपमेंट की तैयारी चालू है। यानी हम ये माने कि जो बच्चे डिग्रीज और डिप्लोमा और मास्टर डिग्रीज के बाद आएंगे उन्हें आपको ट्रेंड करना है, उनकी बातचीत हो रही है। NSDC ने एक पिरामिड तैयार किया है, उस पिरामिड में ऊपर का हिस्सा तो हायर एजुकेशन लेवल का है, बेहतर, बीच का हिस्सा तो पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के लेवल का है, लेकिन उसके नीचे का भी एक हिस्सा है जिसको हम पिरामिड का बॉटम कहते हैं। बिल्कुल। उस बॉटम में बहुत बड़ा एक सर्किल है, जैसे एक बहुत अच्छा मैकेनिक है और उसने कोई ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं लिया है लेकिन मैकेनिक बहुत अच्छा है, तो आप उसकी जो उस नॉलेज को क्या आप इसको जीरो मानेंगे? तो भारत सरकार का ये कहना है कि उसकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आप जानते हैं कि क्या है, उसको थोड़ा सा एजुकेट कर दीजिए और उसकी जो टैलेंट है उसको आप विदेशों में भी इस्तेमाल करें। उसमें तो बखूबी NCVT और ITI कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या जितने ITIs हैं वो पर्याप्त है? अब हाँ, सरकार कह रही है कि आप कम्युनिटी कॉलेजेस बनाइए। हाँ। कम्युनिटी तक जाइए आप खुद और कम्युनिटी में उनकी डिमांड को पूरी करिए। हाँ। तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी कॉलेज के इर्द गिर्द अगर कोई इंडस्ट्री है। हाँ। तो उस इंडस्ट्री के हिसाब से हम वहाँ के गांव वालों की ट्रेनिंग करने की योजना बनाते हैं और उनको ट्रेंड करके इस लायक बना देते हैं कि वो अपने घर के परिवार का पालन पोषण कर सके। हाँ। और अब तो पूरी दुनिया कहते हैं कि ग्लोबल विलेज है। अगर आपके पास अंग्रेजी का थोड़ा सा ज्ञान है और आप अपने ट्रेड में बहुत अच्छे हैं तो स्काई इज द लिमिट। आप 20,000 की नौकरी हिंदुस्तान में ढूंढ रहे हैं, आपको 20 लाख की नौकरी बाहर मिलने को तैयार बैठी है। तो आप एक दफे अपने स्किल को डेवलप कर लीजिए, फिर आपके लिए नौकरी के लिए आपको दर दर नहीं भटकना पड़ेगा।
इस कॉन्सेप्ट के तहत सरकार में काम चल रहा है। वेल साहब, जो हम बात कर रहे हैं आज, जो अभी गंभीर संकट है जी, जिसके हम उसी को आगे बढ़ाऊंगा, फॉलोड करूंगा जो आप बातचीत बता रहे हैं विजन के बारे में, कि अब एक ऐसा समय आ गया है कि लगातार आप जिनकी बात करते हैं वोकेशनल कोर्सेज हैं तो उनसे सर्टिफिकेशन मिल रहा है, इसके बाद बात आती है आईटीआईज की, डिप्लोमास मिल रहे हैं जी, फिर पॉलिटेक्निक सेल्फ गिविंग डिप्लोमास, और इसके बाद फिर कॉलेजेस हमारे इंजीनियरिंग की डिग्रीज और टेक्निकल एक्सपर्टाइज की बहुत सारी डिग्रीज दे रहे हैं जी, उनमें बच्चे लगातार करके और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देकर भी आगे आ रहे हैं। जो अभी हालत है, जिस हिसाब से हम अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं, तो अगले 5 साल या 10 साल बाद की बात करें तो ये सर्टिफिकेशन डिग्रीज और डिप्लोमास तो हमारे पास असंख्य हो जाएंगे, बच्चे उनके साथ होंगे, पर क्या हम उस तैयारी के साथ हैं कि उन्हें हम एम्प्लॉयड कर पाएंगे? तो इसके बारे में क्या आप सोचते हैं, क्या हम सब करें मिलकर, क्योंकि ये कोई एक व्यक्ति या एक संस्था या एक सरकार के हाथ का काम नहीं है, ये पूरे देश की जनता को सबको मिलकर सोचना है, उसमें एंटरप्रेनर्स को भी आना है, इंडस्ट्रीज को भी आना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भी आना है, और हमारे सोशलिस्ट जो समाज से भी हैं उन्हें भी इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा, आपके साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो आप क्या अपेक्षा करते हैं और क्या आपकी दृष्टि है इस बारे में, इन 10 सालों में हम भविष्य में कैसे इनको संभाल पाएंगे जब बच्चे लाखों में होंगे? देखिए, मैं पिछली बार अभी औरंगाबाद गया था और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारी मीटिंग हुई, मैं मुंबई में गया था, मुंबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हम लोगों की मीटिंग हुई। एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट ये कहते हैं कि जो आप बच्चे तैयार कर रहे हैं उनमें वो काबिलियत नहीं है जो इंडस्ट्री को चाहिए, मसलन उनमें टीम वर्क नहीं है, उनमें कमिटमेंट नहीं है, वो नई टेक्नोलॉजी नहीं जानते, वो बहुत जल्दी जल्दी इंडस्ट्रीज बदलने में विश्वास करते हैं, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स पैकेज, उनकी जिंदगी पीए के आसपास घूमने लगी, तो कहीं ना कहीं फिजिकल वर्ल्ड में बच्चे घूम रहे हैं और इंडस्ट्रीज कह रही है कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है लेकिन उस एम्प्लॉयमेंट के लिए सही आदमी हमको नहीं मिल रहा है। यानी यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने जो बात की जी कि हम जो क्वालिटी उनके अंदर नहीं दे पा रहे, वो स्किल नहीं दे पा रहे, जिसके कारण से उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, बिल्कुल सही, एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है बिल्कुल बट नहीं दे पा रहे, तो ये जो गलती हुई है इसके अगर बैकग्राउंड में जाते हैं हम पाते हैं उन कॉलेज इंस्टीट्यूशन जहां से डिग्रियां मिली हैं जी, वो कॉलेजेस भी AICTE और आप सभी ने अप्रूव किए हैं जी, तो उन्होंने जब वहां जांच करते हैं तो क्या वो ये देख पाने में सफल होते हैं कि वो कमियां हैं, वो प्रोफेसर कम हैं, या वो जो आवश्यकता है लैब्स की वो उत्कृष्ट स्तर पर नहीं है? देखिए, दो चीजें हैं, एफिलिएशन और एक्रेडिटेशन जी। एफिलिएशन तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना दिया जी, फैकल्टी हमने देख लिया कि फैकल्टी है कि नहीं है, फैकल्टी के पास डिग्री है कि नहीं है, ये एक एस्पेक्ट है। AICTE ये करती है कि हमारे पास इक्विपमेंट है कि नहीं, क्लासरूम है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, फैकल्टी है कि नहीं, लेकिन हमारे पास जो फैकल्टी है वो काबिल है कि नहीं, डिग्री से काबिलियत नहीं आती, अच्छा शिक्षक अच्छी डिग्री लेकर नहीं तैयार होता, जरूरी नहीं, अच्छा शिक्षक जो होता है उसके अंदर कुछ इनहेरेंट क्वालिटी होती है, गुण होना चाहिए, बिल्कुल, आप नॉलेज आपके पास बहुत अच्छा है लेकिन उस नॉलेज को ट्रांसफर कैसे करना आप नहीं जानते, तो आप टॉपर हो सकते हैं लेकिन बच्चे के लिए आप अच्छे टीचर नहीं, कैन से यू आर अ वेगनर नॉट अ टीचर। तो आप बच्चों में, अगर बच्चे आपके क्लास में ऐसे हो कि आपको सुनने के लिए खिड़कियों पर बैठे रहें और आपकी घंटी बज जाए उसके बाद भी लड़का आपसे कहे कि नहीं नहीं सर आप पढ़ाइए, तब तो आप अच्छे टीचर हैं, क्योंकि आपने आप लड़कों के दिल में अपनी जगह बनाई है, उन्हें बांधा है अपने आप, हाँ जुड़ा। आज ये कमी है, आज सबसे अच्छा बच्चा कॉम्पिटिशन करके IAS बन जाता है, इंजीनियरिंग का बच्चा IAS चला जाता है, रेलवे सर्विस चला जाता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर हो जाता है और डिप्टी कलेक्टर हो जाता है, तहसीलदार हो जाता है, वो पटवारी होना पसंद करता है, बिल्कुल टीचर होना नहीं चाहता। जो लड़के कॉम्पिटिशन में नहीं आते हैं वो टीचिंग में चले जाते हैं, टीचिंग में जाने के बाद उसकी प्रायोरिटी टीचिंग नहीं है, उनकी प्रायोरिटी फिर से कॉम्पिटिशन में बैठना है। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो लोग हमारे सिस्टम में आ गए हैं वो कमिटेड लोग हैं क्या, और अगर कमिटेड लोग हैं तो फिर उनकी ट्रेनिंग करो कि अच्छे टीचर बन जाएं। पहले हमारे जमाने में कहा जाता था कि टीचर बनना तो एक ऊपर से भगवान का दिया हुआ गुण है, लेकिन इस संस्थान में आके मुझे मालूम है कि हम विकसित करते हैं ये गुण, आप जो है बाई बर्थ हो सकते हैं बहुत आपके पास गुण हो, लेकिन अगर आप में गुण नहीं है तो एक टेक्नोलॉजी है वो आपको सिखाती है, वो गुण विकसित करती है आप में, वो कॉम्पिटेंसी पैदा करती है, वो इंस्टीट्यूट हमारे करते हैं। तो पहले तो कमिटमेंट होना चाहिए, अगर कमिटमेंट नहीं है तो आप सब कुछ बनिए, टीचर मत बनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि टीचर अगर आप बन रहे हैं तो आप जनरेशंस को ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल तैयारी, तो हम ये कहेंगे कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई, बिल्कुल सही, तो वो सजा हम बच्चों को क्यों दे, अगर हम टीचर नहीं बनना चाहते तो आप कुछ और बन जाइए, टीचर मत बनिए, लेकिन अगर आप टीचर बन गए हैं
तो ईश्वर के लिए मेहनत करिए और एक अच्छे टीचर बनके दिखाइए, अपना कमिटमेंट दीजिए, क्योंकि हमको कहते हैं हम गुरु जन हैं। बिल्कुल, गुरु मतलब श्रेष्ठ। हाँ। आपका आचरण भी श्रेष्ठ होना चाहिए। हाँ। आपका कमिटमेंट भी होना चाहिए उस तरह का। और आप तो आप लोग टीओटी जो प्रोग्राम है आपका वो चलाते हैं लगातार, टेक्निकल टीचर्स का जो है वो टीचर्स का भी काम करता है, तो वो जो चीज उनमें कम अगर आती है और वो टीचर्स बन जाते हैं तो क्या आपकी वाली टीम उन्हें संभाल सकती है? देखिए मैं दो बातें आपको कहूंगा। हम टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर हम गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर्स को फ्री ट्रेनिंग देते हैं। बिल्कुल ठीक। कोई भी चीज आप फ्री कर दीजिए तो उसमें इंटरेस्ट खत्म होता है। हाँ जी। तो लोग आते हैं और वो उनका कितना उन्होंने ट्रेनिंग लिया है इसके एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमको लगता है कि बहुत सारे शिक्षक तो एकेडमिक टूरिज्म में आ जाते हैं, तो हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं कि एकेडमिक टूरिज्म करने के लिए मत आइए। चेकआउट किया जाए। हाँ, एकेडमिक टूरिज्म उतना ही अलाउ करेंगे जितना जरूरी है, बाकी आप बैठ के ट्रेनिंग लीजिए। दूसरा, हमारा जो अधिकांश चंक है, जो अधिकांश हिस्सा है वो प्राइवेट कॉलेज के टीचर्स का है। अब प्राइवेट कॉलेज के टीचर्स अपने टीचर्स को स्पॉन्सर नहीं करते, उन्हें भेजते नहीं, ट्रेनिंग की फीस का पैसा नहीं देते, उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती है, उनको तो लग रहा है कि हमारा चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें। एक बार एक प्राइवेट कॉलेज के टीचर्स ने, मैनेजमेंट ने मुझसे कहा कि हम अपनी फैकल्टी को ट्रेंड कर देंगे तो वो अगले साल दूसरे कॉलेज में भाग जाएंगे, तो पैसा हम खर्च करेंगे वो दूसरी जगह चले जाएंगे। मेरा ये कहना है कि अगर सारे लोगों ने स्पॉन्सर करके ट्रेंड कर दिया तो आपके यहाँ से छोड़ के जाएगा तो दूसरा आपके यहाँ आएगा तो ट्रेंड ही तो आएगा। बिल्कुल बेहतर। तो हो सकता है साल भर, साल दो साल में आपको ये लगे कि हमारा वेस्ट गया, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब सारे के सारे ट्रेंड ही आपको मिलेंगे टीचर्स। बिल्कुल। तो इसलिए उनको ये सलाह मैं जरूर दूंगा कि अगर आप अपनी क्वालिटी अच्छा करना चाहते हैं, अपने इंस्टीट्यूट को बढ़ाना चाहते हैं, तो टीचर्स ट्रेनिंग कराइए, कंटेंट में कराइए। अभी तो हमने कह दिया कि आईसीटी मोड से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, फ्री अवेलेबल है। आप एक सिस्टम लगा लीजिए, एक एलसीडी प्रोजेक्टर लगा लीजिए, एक स्क्रीन लगा लीजिए, एक वेब कैमरा लगा लीजिए, एक माइक लगा लीजिए, फैकल्टी को बिठा दीजिए, हम तो फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके लिए भी तैयार नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो टीचर्स जो हैं वो क्लासरूम से उनको खाली छोड़ना नहीं चाहते। हम तो ये भी कह रहे हैं कि आप सुबह शाम उनको ट्रेनिंग दिलवा दीजिए, हम समय के साथ फ्री करना चाहते हैं हम ट्रेनिंग, लेकिन उसके लिए भी लोग तैयार नहीं है। निजी शिक्षण संस्थानों की जो उदासीनता है वो अभी भी लगातार कायम है, और वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है टेक्निकल एजुकेशन का। बिल्कुल, जो हम IITs और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज तो संख्या में 20% 15%। बिल्कुल, 80% और 85% तो प्राइवेट सिस्टम्स, प्राइवेट सिस्टम, तो वहाँ इंटरवीन करने की जरूरत है और उनको आगे आना होगा। और एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ, एक बहुत अच्छा शेर है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला और जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा। अगर आपका इंस्टीट्यूट अच्छा है, अगर आपका ट्रेनिंग अच्छी है, अगर आपके टीचर्स अच्छे हैं, अगर आपके कोर्सेज अच्छे हैं, अगर आप अच्छा पढ़ाते हैं, अगर आप अच्छा उनको लेबोरेटरी की ट्रेनिंग देते हैं, मशीनों पर काम करना सिखाते हैं, नई टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, तो ही आप सर्वाइव करेंगे। क्योंकि इस प्रतियोगिता के जमाने में वही सर्वाइव करेगा जिसके पास नॉलेज है और जो जिसने डेवलप किया है। तो अब छात्र भी अगर आपके पास आएगा तो दुकानें देखकर नहीं आएगा, क्वालिटी देखकर आएगा, और वो समय आने वाला है जब दुकानें बंद होंगी। यानी हम अब जो समझ पा रहे हैं, आपने बहुत शानदार तरीके से समझाने का प्रयास किया और एक अपेक्षा की समाज से कि इसमें भागीदारी दे, क्योंकि आपने जो बात कही कि एक तो कमिटमेंट होना चाहिए और एकेडमिक टूरिज्म बंद होना चाहिए या सीमित हो जाए, ये दोनों बातें बहुत शानदार हैं। फिर आप जो बात कर रहे हैं कि जो निजी शिक्षण संस्थान हैं जो अपनी उदासीनता दिखा रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं एक फोरम होना चाहिए जिसके बीच में इन सबको आना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। अभी एक जो चीज़ मैं पकड़ पा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपने तैयार किया, उन्हें बेहतरीन बनाया, तो इसी में एक फॉलोअप क्वेश्चन उठता है जो बाजार में लंबे समय से चल रहा है कि जैसे ही अगर आपने बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया, बहुत अच्छा तैयार किया, तो होता है प्रतिभा पलायन। हमारे देश से हमारे बच्चे जो तैयार कर दिए हमने वो सबसे पहले देश छोड़ते हैं और वो सेवाएँ देते हैं विदेशों में, तो हम लोग उस एक्सपर्टाइज का फायदा ही नहीं उठा पाते जो हमने बच्चों को दिया था। तो इसको कैसे रोका जा सकता है, इसका फॉलोअप क्वेश्चन बहुत जरूरी है, इसमें बर्निंग टॉपिक है देश के लिए, और आप तो एक नेशनल इंस्टीट्यूट में बैठे हैं तो आपको सब कुछ देखना है। तो आपको क्या लगता है, आपका विचार क्या है कि कैसे हम इस प्रतिभा प्लान को रोकेंगे, क्योंकि उन्हें दिखता है वो LPA और उसमें सब बात होती है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। देखिए पूरा की पूरा सिनेरियो बहुत तेजी से बदल रहा है। बिल्कुल, अभी चाइनीज जो रिसर्चेज आई हैं, चाइना में कंपनियां आ रही हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना में आके अपना मार्केट देख रही हैं। हिंदुस्तान में अगर हमारी पॉलिसीज ऐसी होंगी कि मल्टीनेशनल्स हिंदुस्तान में आने के लिए लालायित होंगी, तो कोई क्यों यहाँ के बच्चों को बुलाकर वहां नौकरी देने की कोशिश करेगा। तो पहले तो ये करना चाहिए कि हमारी जो
पॉलिसीज हैं मार्केट को ओपन करने की, उसमें कम से कम इंडस्ट्रीज को यहाँ आने की सहूलियत हम दें, ताकि वो यहाँ पर आकर अपने इंडस्ट्रीज लगाएं, और अगर वो इंडस्ट्रीज यहाँ लगाएंगी तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। कुछ लोगों के दिमाग का ये माइंडसेट होता है कि हमको तो अमेरिका में नौकरी करनी है या हमको वेस्टर्न कंट्री में जाना है, वो पहले भी जाते थे अभी भी जाएंगे, लेकिन अगर हमने अपने बच्चों में एक जो हमने अपने यहाँ किया है मॉरल वैल्यूज नैतिक शिक्षा, अब हम ये डालें कि खाने के लिए तो हमको उतना ही चाहिए, हमारी आवश्यकताएं कितनी है, बहुत सीमित, बहुत ज्यादा पैसा कमा कर हम उस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आनंद के लिए जाते हैं, बिल्कुल वो आनंद तो खत्म हो गया, क्योंकि अगर आपने 40 साल की उम्र में आपकी आंखों में चश्मा लग गया और आप 18 घंटे और 20 घंटे की नौकरी करके और 50 साल की उम्र में आपकी जिंदगी में सारा कुछ जितना कुछ भी बेहतर था वो सब कंपनीज ने ले लिया, खत्म कर दिया आपको, तो आपने न घर के लिए आपको समय मिला, जो समय आपके बच्चों का मिलना चाहिए वो पैसा कमाने में आपने खर्च कर दिया, जो आपके परिवार में समय बीतना चाहिए, तो पैसा किसके लिए, आपने बच्चे की परवरिश नहीं किया ठीक से, बच्चे को जिस दिशा में जाना चाहिए था उस दिशा में गया नहीं, तो आपके पास अरबों की और करोड़ों की संपत्ति अगर आ भी गई तो आप क्या कर लेंगे उसका। बेहतर, तो ये जो हमारे अध्यात्म में सिखाया गया है कि संतोष सबसे बड़ा धन है, तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं पहली बात तो है कि हमारे बच्चों में आना चाहिए कि ठीक है पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा है लेकिन हमारा चरित्र, हमारा स्वास्थ्य, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, पहले हम इनकी तरफ देखें। क्या बात। और अगर हम इंडिविजुअली ये तय कर लें कि हमारे पास 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ रुपया हम क्या कर रहे हैं, बैंक में डाल रखा है और हमारे जाने के बाद उसका सदुपयोग हो रहा है कि दुरुपयोग हो रहा है हमें खुद नहीं पता है, तो इतनी कमाई करने का कोई मतलब नहीं है, क्या करेंगे, 18 मंजिल आपने बना लिया और रहने के लिए 2 कमरा चाहिए आपको, तो वो क्या है, वेस्टेज है, नेशनल वेस्टेज है। तो बच्चों में पहले बात तो ये है कि ये भावना विकसित करनी चाहिए कि आपको धन संग्रह क्यों और कितना, इस वर्ल्ड के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भागने से आपका जो जीवन का आनंद है, जीवन का जो उद्देश्य है एक बेहतर इंसान बनना, आप उसको अगर खो रहे हैं तो वो पैसा किसी काम का, तो ये बात बहुत जरूरी है बच्चों को बताना। ये जो प्रतिभा पलायन पे प्रोफेसर विजय अग्रवाल बता रहे हैं ये बहुत सटीक प्रतिउत्तर है इस बात का कि अगर हमें देश में प्रतिभा पलायन को कहीं रोकना है तो उसका सबसे पहला एक तरीका हो सकता है मॉरल वैल्यूज पे काम करना, एक मॉरल एजुकेशन पर काम करना और एक संतुष्टि की भावना बढ़ाना, क्योंकि हमने एक इंग्लिश में फिर मैं लाइन बताऊंगा कि कहा जाता है कि सबसे पहले ब्रेड की आवश्यकता होती है, इंसान को ब्रेड मिल जाती है तो उसके बटर की याद आने लग जाती है, तो हमें बताएं ब्रेड से बटर की तरफ नहीं बढ़ना है, हमें संतुष्टि की भावना बढ़ानी है, अगर हम ये कहीं पर भी कम करेंगे संतुष्टि को बढ़ाएंगे तो हो सकता है इस तरह के प्रतिभा पलायन वाले हमें प्रोग्राम सोचने ना पड़े ना उन पर डिस्कशन करने पड़े। और जैसा साहब ने बात की कि अगर देशभक्ति आपने पहले इंडिया फर्स्ट वाली बात अपने ऊपर ली तो हो सकता है आपको अपना देश नजर आए, और जब देश नजर आएगा तो अपना परिवार दिखेगा और सब कुछ दिखेगा जिन्हें आप अभी तक नकारते आ रहे हैं। तो ये जो बातचीत है डॉक्टर विजय जी आपने जो बताया ये बहुत सटीक है और मैं इसको पूरी तरह से मुतमईन हूँ इस बात से, क्योंकि हमें देश में ऐसे ही रोक सकते हैं, हमें नैतिक शिक्षा पे काम करना होगा और उसके लिए पैरेंटल वर्किंग बहुत जरूरी है। अभी एक जैसे नेटर के बारे में कहा जाता है कि सेंटर ऑफ एक्सलेंस की बात की जाती है कि वो इंटेंसिफाइड टीचर एजुकेशन फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की बात करता है, तो क्या इसमें हम लोग सफल हैं? पिछले 2 सालों में हमने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम किया है, क्वालिटी हमारा मुद्दा है, हमने अभी ISO सर्टिफिकेशन भी किया है और गुणवत्ता की हमारी जो नीति है उसको हमने और इंटेंसिफाई किया है। देखिए बिना अगर आप आजकल मार्केट में अगर आप आ गए हैं और आपके पास प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, तो कोई आदमी मीडियोक्रेसी में सर्वाइव करेगा ये उसको गलत फहमी है, हमें तो इम्प्रूवमेंट चाहिए, हमको करना पड़ेगा। हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट्स को ये बताया कि टेक्निकल एजुकेशन में अगर हम क्वालिटी की बात नहीं करेंगे तो वो अब चलने वाला नहीं है, और इसलिए हमने कुछ नए कोर्सेज लॉन्च किए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिल करके। हम MSBT में महाराष्ट्र स्टेट टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड के साथ मिल करके अभी एक इंटेंसिव प्रोग्राम करने जा रहे हैं और बहुत बड़े स्तर पर हम लगभग 1000 टीचर्स की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं सिर्फ एक महीने में। ये कब का है? ये पूरा जून और जुलाई। अच्छा, ये अभी अभी हमको अभी हमने उसको किया है, हमारा पहला बैच शुरू होने वाला है अगले हफ्ते मंडे से। बहुत बेहतर। तो MSBT ने क्या किया कि सारे के सारे टीचर्स को स्पॉन्सर किया हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक के कि इनकी
QCI वाले जो मॉड्यूल है उस पर ट्रेनिंग करिए। गुजरात में हमने कहा है कि एक्रेडिटेशन अब मस्ट हो गया है, तो आउटकम बेस्ड लर्निंग, एक शिक्षा का उद्देश्य में हम कहां सफल हो रहे हैं, तो हमारे करिकुलम कैसे हैं, पाठ्यक्रम हमने कैसे बनाए। हमने कहा कि हमें लॉजिक डेवलप होना चाहिए, तो क्या हमारे पाठ्यक्रम में लॉजिक डेवलप करने वाली चीजें हैं, या हमने कहा कि हमको टीम वर्क आना चाहिए, तो क्या हमने कोई उसको प्रोजेक्ट दिया है जिसमें टीम से काम कर सकता है, स्कूल में नहीं सीखेगा तो इंडस्ट्री में भी टीम में काम नहीं करेगा। तो जहां जहां हमारी कमियां हैं हमने उनकी एनालिसिस करा के सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम टीचर्स को बताते हैं कि ये हमारी वीकनेसेस हैं, यहां पर आप इम्पैक्ट की जरूरत है, फोकस करिए, यहां पर अट्रैक्ट करने की जरूरत है। अभी क्या हो रहा है कि प्रोजेक्ट बच्चे नहीं करते, लेबोरेटरीज में नहीं जाते। अब इंजीनियरिंग में अगर आप प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं और अगर आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं तो आप सफल कैसे हो। तो आज जो बच्चा है वो कपड़ा गंदा नहीं करना चाहता, हाथ गंदा नहीं करना चाहता, बिना हाथ काला किए आप इंजीनियर नहीं बन सकते, इंजीनियर की बात नहीं हो सकती। तो पहले तो हमें शर्मिंदगी छोड़ के अपने बच्चों को ये कहना चाहिए कि आप अगर आपके 20 घंटे का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है या 20 घंटे का कोई पाठ्यक्रम है जी, तो 16 घंटे आप लैब में बिताइए और 4 घंटे आपकी नॉलेज बढ़ेगी किताबों से। तो इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं। अगर बच्चे ने इक्विपमेंट पे काम नहीं किया है या उसको अच्छे से नहीं आता है तो हम प्रैक्टिकल के एक्सपेरिमेंट्स के वीडियो तैयार कर रहे हैं और उस बच्चे को हम CD दे रहे हैं कि आप इस CD को देख देख के एक्सपेरिमेंट करिए। स्पोकन ट्यूटोरियल हमने बनाया है ताकि इंडस्ट्री में बच्चा जाए तो वो अपने सारे के सारे जो प्रोग्राम है स्पोकन ट्यूटोरियल में सीख के जाए और उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। अभी नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT मोड से हम 1,00,000 टीचर्स की ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट रख रहे हैं और ये सब क्वालिटी बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें हम IIT बॉम्बे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमने IIT के रिटायर्ड टीचर्स को अपने इंस्टीट्यूट में बुलाया है। हम फ्लूइड मैकेनिक्स और फंडामेंटल सब्जेक्ट्स पर, थर्मोडायनेमिक्स पर, इस पर हम बच्चों को फोकस करके ट्रेनिंग देना चाहते हैं, नए जनरेशन को जो टीचर्स बन के आए हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी वीकनेसेस है, हमने स्टडी कराई है। तो मेरा ये मानना है कि क्वालिटी पे हमने फोकस किया है, क्वालिटी हमारा पैरामीटर है और एक्सेलेंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की जो बात की है कि हम एक ऐसी लो लेके चले जो देश जैसे देख सकेगा, तो उस पर हम लोग काफी सफल हैं। बिल्कुल। अभी इसी में आगे बढ़ते हुए जैसे कि HRD का जो R&D प्रोग्राम है उसमें किस तरह का आपका सहयोग है? देखिए, अभी हमने इस इंस्टीट्यूट को रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी दर्जा मिला जी, और अभी हमने M.Tech प्रोग्राम इसीलिए शुरू किया कि हमारे टीचर्स का अभी रिसर्च में एक्सपोजर नहीं था। M.Tech के रिसर्च के प्रोजेक्ट्स हमारे इंडस्ट्रीज के साथ लिंक करके हमने तैयार कराए हैं। भारत सरकार के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है वो कंटेंट का एक अलग प्रोग्राम है जो IITs और NITs करती हैं। हमारी जो रिसर्च एरिया है, हम ये देखना चाहते हैं कि अगर बच्चे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वीक हो रहे हैं तो कौन सा एरिया है जहां वीक हो रहे हैं और उसमें करिकुलम में हमें किस तरह का चेंज करना चाहिए। इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से हमें करिकुलम में क्या चेंज करना चाहिए, इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसमें वो क्या चाहते हैं जो हमारे करिकुलम में नहीं है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज करिकुलम निर्माण में आप लोगों का सहयोग ले रही हैं लगातार? अभी नहीं ले रही हैं। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय इस मामले में सहयोग नहीं ले रहा है। क्योंकि BU के हमने जो देखे हैं करिकुलम वो 20-20 साल पुराने हैं जिन पे काम हो रहा है अभी भी। मुझे मेरी बातचीत हुई है कुलपति RGPV से और वो इससे संतुष्ट हैं और इससे सहमत भी हैं कि करिकुलम रिवीजन कराना चाहिए और हम लोग इस दिशा में आगे चल के काम करेंगे। लेकिन अभी हम गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहे हैं, अभी उसका करिकुलम हम रिवाइज कर रहे हैं। अभी इस पर लगता है जैसे RGPV से मैंने चर्चा उनके साथ भी लिया, बीच में जब सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस क्रिस के साथ भी बैठे तो हमें एक चीज वहाँ पर लैक, जो कमी कह सकते हैं, नजर आई, वो ये थी कि आप एक निटर संस्थान जो भारत का है, एक अभूतपूर्व संस्थान है और वो टेक्निकल टीचर्स पे काम कर रहा है, पर फिर भी सभी संस्थान आपस में एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के कारण से आपस में कनेक्शन नहीं रखते हैं, जिसके कारण से सबको इंडिविजुअल अपना अपना काम करना पड़ता है। जैसे RGPV भी कहता है कि साहब हमारा खुद का स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू काम कर रहे हैं, क्रिस कहता है कि वो नेटर की सहयोग की बात तो करते हैं लेकिन अभी तक इस तरह आगे नहीं बढ़े बहुत ज़्यादा, तो कहीं नहीं लगता कि एक बीच में एक नोडल एजेंसी बने, जो क्रिस ने इस बात को बहुत सीरियसली लिया और बहुत एक्सेप्ट किया कि हम चाहेंगे इसमें आगे बात बढ़े, एक नोडल एजेंसी फॉर्म हो जो इस तरह के सभी टेक्निकल एजुकेशन के सेंटर्स को एक साथ जोड़े और उस पर काम हो। देखिए, उस लिहाज से तो नीटर नोडल एजेंसी है। हम भारत सरकार के इंस्टीट्यूट है जो स्टेट गवर्नमेंट की मदद करने के लिए बैठे हुए हैं। और उसमें ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये कैसे बना है? देखिए, कम्युनिकेशन गैप क्रिस्प की जो प्रायोरिटीज है वो उनके प्रोजेक्ट्स हैं।
मैं उनकी गवर्निंग काउंसिल का मेंबर हूं, तो कोई 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 कम्युनिकेशन गैप का सवाल नहीं है। हमने शर्मा जी से बात किया है और कुछ कुछ एरिया में हम साथ में काम करना चाहते हैं। अच्छा। समस्याएं टाइमिंग्स को लेकर के हैं। उनके यहाँ प्रोग्राम इवनिंग आवर्स में और मॉर्निंग आवर्स में होते हैं। हमारे यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, हमारे टीचर्स इवनिंग और मॉर्निंग आवर्स में काम नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो अभी जैसे हमने सीएनसी मशीन का प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर्स के प्रोग्राम है, हमारी बात चल रही है कि हम क्रिस्प के साथ बिल करके ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे, तो हमारी तरफ से हमें कोई झिझक नहीं है इन इंस्टीट्यूशन। हम टाटा मोटर्स के साथ काम कर रहे हैं, हम अर्बन डेवलपमेंट के साथ काम कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं, देश के साथ साथ इंटरनेशनल बॉडीज को, एजेंसीज को, मुझे पता है आपने ब्रिटिश काउंसिल को, हाँ सीपीएससी के साथ हम काम कर रहे हैं, कनाडा के साथ काम किया, और अभी बीच में जैसे जानकारी हो आप लोगों को कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लिए टेक्निकल कंसल्टेंट है नेटर भोपाल, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। तो वो जो बात चली है तो टेक्निकल कंसल्टेंट की बात करते हैं हम लोग कि नीड बेस्ड कस्टमाइज सपोर्ट एज एन एकेडमिक कंसल्टेंट, तो वो किस तरह से काम कर रही हैं और उसमें कुछ थोड़ा सा ब्रीफ करें आगे भारतीय जनता के लिए बात करें। देखिए अभी जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिर्फ अपने अपने प्रोग्राम के लिए ही लोग खर्च करते हैं जी। हमारा ये मानना है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, हमारे फैसिलिटीज को दूसरे डिपार्टमेंट्स में हमें एक्सटेंशन एक्टिविटीज की तरह ले जाना चाहिए। हाँ जी। उससे हमारी इनकम भी जनरेट होती है और हमारी आउटरीच भी बढ़ती है। आपने सुना होगा भोपाल में गिर गए बहुत दो तीन जर्जर पानी की टंकियां। बिल्कुल। उनकी टेस्टिंग करने के लिए उन्होंने मैनिट को बोला, उन्होंने आईआईटी रुड़की को बोला और किसी ने काम नहीं किया। नीटर ने ये काम किया, हमने उनके टंकियों की एनालिसिस किया, उनकी स्ट्रेंथ निकाल के एंड वी सबमिटेड रिपोर्ट। ये तो समाचारों को भी नहीं पहुंची खबर, पता है लोगों को पता है। हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर काम किया, अर्बन डेवलपमेंट की सारी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं उनकी सारी ट्रेनिंग हम कर रहे हैं और हमने इस साल भी 22 ट्रेनिंग उनके लिए हम करने का हमारा टारगेट है, शुरू हो गई ट्रेनिंग। हम राज्य शिक्षा केंद्र के शिक्षकों का जो स्किल अपग्रेडेशन है वो कर रहे हैं, डिजिटल लिटरेसी के केसेस हम कर रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के उनके प्रोग्राम कर रहे हैं और लगभग 500 टीचर्स को हम ट्रेंड कर चुके हैं डाइट के, राज्य शिक्षा के स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, ये हमारी कंसल्टेंसी है, लेकिन साथ में साथ हम हैंड होल्डिंग भी कर रहे हैं जी। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के बच्चे आते हैं, अगर उनकी बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो हमें अच्छी बच्चे नहीं मिलेंगे पढ़ने के। तो मैं ये कहता हूँ कि सेकेंडरी एजुकेशन, भले ही हमको आप क्रिटिसाइज करिए कि हम क्यों राज्य शिक्षा केंद्र के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर हमारे इंटरमीडिएट पास बच्चों की फसल अच्छी आएगी मजबूत कर, तो वो हमारे लिए रॉ मटेरियल, आगे जाके उन्हीं पे हमें काम करना है। अगर तो हमको लगता है कि हम जो क्वालिटी है उस क्वालिटी के साथ कोई कम्प्रोमाइज ना करें, हम स्टेट के साथ काम करें, हम दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, गुजरात में काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, गोवा में कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र और गुजरात दो ऐसे स्टेट हैं जहां की सरकारें बहुत जागरूक हैं, मतलब आगे से होकर के वो हमको बुलाते हैं, इसे देश भी स्वीकार कर रहा है इस बात को। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अभी हमको कमी है, अभी या तो हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कहीं कमजोर हैं या हमारा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वीक है, हम अपने बच्चों को उस तरह की तालीम नहीं दे पा रहे हैं जैसे उनको मिलनी चाहिए, लेकिन उनको कंपटीशन तो पूरी दुनिया से करना है, तो इसलिए जरूरी है कि हम किसी शॉर्टकट्स में नहीं जाएं और हम आपस में स्टेट के साथ, स्टेट की रिक्वायरमेंट के साथ अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए, मेरा ये मानना है। हमारे पास कंप्यूटर का इतने बढ़िया एक्सपर्ट है, हम क्यों इंटर कॉलेज के टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे, हम वेब पेज डिजाइन करने की ट्रेनिंग देते हैं तो मदद करेंगे, हम तो प्राइवेट कंपनियों में भी जा रहे हैं, TCS का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यानी अभी बीच में आपके कार्यकाल में हमने देखा कि आपने इसे मैनेजमेंट की तरह भी ले गए और निटर बी भी बनाया जी। आपके कार्यकाल में बहुत नए नए अभिनव प्रयोग किए गए जो सफल हुए और आगे बढ़े। हम लोग स्ट्रक्चर में भी देखते हैं कि हमारे देश में जिस तरह से नेशनल लेवल का स्ट्रक्चर होना चाहिए उसकी तरफ आपने बढ़ाया है और आपने कई तरह के संसाधन पैदा किए। मैं शायद आपके प्रदेश की जनता से बात कर रहा हूँ कि जिनसे कि निटर को लगातार ऑटोनोमी बॉडी होने के नाते लगातार फंडिंग होती रहे, उन्हें पेमेंट्स के लिए, पैसे के लिए गवर्नमेंट की तरफ ना देखना पड़े, बहुत कोशिश की, सब तरह से उसमें सफल भी रहे। इवन छोटे छोटे बात की जाए, संस्थान ने एक छोटा सा स्पेस का गेट पर दिखता है, मैं जब अंदर आ रहा था इंटर कर रहा था, मेरी नज़र गई, संस्थान ने वहाँ पर भी जो लोकल बॉडी जो रहते हैं, जो यहाँ पर निवास करते हैं, उनकी ज़रूरतों को देखते हुए वहाँ पर एक छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निकाला जिसमें 8-10 दुकानें निकाली,
वो भी कभी ना प्रयोग था जो कभी नहीं होता था, लेकिन शुरुआती किस लिए कि इस तरह से कहीं ना कहीं आउटसोर्स हमारे पास कुछ फंडिंग भी होती रहेगी, साथ ही साथ हमारी उपयोगिता वाली जरूरतों के लिए यहाँ के जो निवासी हैं वो नेटर भोपाल से बाहर नहीं जाएंगे, उनकी ज़रूरतें यहाँ पूरी होती हैं। मैंने इस चीज़ को तो पाया कि आपने बताया जो आपका दृष्टिकोण है वो एकदम ऊपर ही नहीं रहता, आप नीचे से लेकर शुरू करते हैं, आपने हर तरफ देखा, आपने हर कॉर्नर पर काम किया, और जिस तरह से विस्तारण अब मिला है नेटर भोपाल को वो बहुत काबिले तारीफ़ है, बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। इसमें जब हमने मैनेजमेंट का जो बढ़ाया हिस्सा, अब हम डिग्री लेवल कोर्सेज भी लेके आए हैं, तो क्या आपको लगता है ये एक सफल अनुप्रयोग है? देखिए, मेरा ये मानना था कि हम टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं और हमारे टीचर्स 15 साल 20 साल पहले डिग्री लेकर आए हैं जी। तो उनका विषय का ज्ञान जो है वो उस समय का था जब वो पढ़ रहे थे जी। आज इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, सब्जेक्ट इतनी तेजी से उसमें विस्तार हो रहा है जी। तो अगर हमने अपने एमटेक प्रोग्राम शुरू किए तो हमारी फैकल्टी को उसमें अपडेट होना पड़ेगा, तो इसलिए बहुत जरूरी था कि हम एक छोटे छोटे प्रोग्राम हर डिपार्टमेंट में शुरू करें और उसके अच्छे परिणाम हैं। पहली चीज तो ये है कि हमारी फैकल्टी को रिकॉग्निशन मिला कि ये पीजी टीचर्स, बिल्कुल सोसाइटी में इंटरेक्शन बढ़ा क्योंकि बच्चे सोसाइटी से आते हैं पढ़ने वाले। हाँ। टीचर्स तो हमारे स्टेट से आते थे। हाँ। ये बच्चे पूरे पूरे देश से आते हैं और खास तौर से यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमने जो डेवलप किया है वो पूरा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। हर एक बच्चे के लिए अलग कंप्यूटर की सुविधा है, लेबोरेटरी, सॉफ्टवेयर हमने कोई पायरेटेड हमने इस्तेमाल करते, परचेज थी सॉफ्टवेयर हमारे पास, NKN से कनेक्टिविटी है हमारे पास, NPTEL का वीडियो है हमारे पास, कंसोर्टियम ऐसा है कि दुनिया के किसी भी जर्नल को बच्चे देख सकते हैं। बिल्कुल, तो फर्क पड़ा है, क्वालिटी हमारे फैकल्टी की भी अच्छी हुई। इस प्रोग्राम को शुरू करने का उद्देश्य यह था कि पहले हम खुद को ठीक कर लें फिर दूसरों को ठीक करें। और ये मैंने आपके आपके सामने हम इसको तारीफ करेंगे, प्रदेश की जनता को जानकारी हो कि अभी आप कहीं भी वेबसाइट्स में लगातार ऐसा कहीं कोई ऐसा लुक नहीं देखते हैं कि फिजिकली चैलेंज्ड लोग वेबसाइट्स पे आ पाएं जी। लेकिन ये प्रयोग हमारे नेटर भोपाल ने किया और उसके लिए बधाई के पात्र हैं आपने कि आपने फर्स्ट कम काम करके बताया और इसको बधाई सब तरफ से मिल रही है क्योंकि अभी टेस्टिंग में है लेकिन लोग उसको उपयोग करके देख रहे हैं जी। और एक बहुत अच्छी चीज़ शुरुआत हुई है और शायद कहते हैं कि हाईटेक में आप लगातार बहुत नई नए अभिनव प्रयोग ला रहे हैं और सफल हो रहे हैं। तो इस चर्चा को जब हम बात करें नेटर का फर्स्ट पार्ट की बात करें जो मेरा इंटरव्यू है वो अगर हम नेटर पर वापस ला खत्म करना चाहते हैं तो आप हमें बस ये बताएं, हमारे बस मैं ब्रेक में जाने के पहले बस एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि नेटर में एक लंबे समय से आप काम करते चले आ रहे हैं, अगर आपको अगले 10 साल मिले तो आपके पास 3 लाइन में क्या है विज़न जो आप चाहते हैं देश को देने के लिए? क्योंकि सरकार तैयार है आपके काम को देखते हुए, जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं देश के लिए, आप बताएं, ये आप नहीं समझ पाएंगे लेकिन देश की जनता जानती है कि आप असेट्स बनते जा रहे हैं, तो वो हमेशा चाहेंगे कि आपका उपयोग हो देश की सेवा में। तो आपके पास कैसा विजन है जो 10 साल इस नेटर के लिए देखते हैं आप? देखिए, पहली चीज़ तो कि 10 साल पे नहीं जाना चाहिए, हमको लगता है कि 5 साल का जो एक विजन होता है वो पर्याप्त होता है और इस 5 साल के विजन में हमारी कोशिश ये हो कि हम ICT मोड से, क्योंकि जगह जगह जा करके हमको ट्रेनिंग देना कॉन्ट्रैक्ट मोड में तो इतने ज़्यादा जो चैलेंजेस हैं वो कर पाना मुश्किल है, लेकिन हम ICT मोड में टीचर्स ट्रेनिंग की बेहतर सुविधा क्रिएट कर रहे हैं। हमने 40 रिमोट सेंटर बनाए हैं, हम चाहते हैं 100 रिमोट सेंटर हो जाएं, जहां पर कि हमारी फैकल्टी यहीं से बैठ के टीचर्स ट्रेनिंग करे। इसके लिए मॉड्यूल्स हम डेवलप कर रहे हैं, हम इसके सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बेस्ड जिसको हम एव्यू प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं, भारत सरकार ने उसके लिए फंडिंग किया है। क्या इसमें आप वेबिनार भी लाना चाहते हैं? वेबिनार तो बहुत जरूरी है, आजकल तो हम यूज कर रहे हैं, हमारे जितने सेमिनार होते हैं हम वेबिनार के थ्रू अपने स्टेक होल्डर्स को अवेलेबल करा रहे हैं और हम खुद भी प्लानिंग कमीशन के साथ हमारे डिस्कशंस होते रहते हैं। अगले 5 साल में ये पूरी तरह से कॉमन हो जाएंगे हमारे? बिल्कुल, हमारे पास तो वर्ल्ड क्लास स्टूडियो है, हमारे स्टूडियो में तो IIT भी अपने रिकॉर्डिंग करने जा रही है। तो मेरा ये सोचना है कि टीचर्स ट्रेनिंग जो हमारा मेन एजेंडा है उसको हाई क्लास टीचर्स ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स हम वर्ल्ड लेवल पे एक्सपर्ट्स को बुला के अपने टीचर्स को ट्रेन करेंगे ताकि वो जो पेडागॉजी में जो नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उनको हम दे सकें। हम वीडियो डेवलप करना चाहते हैं पूरे के पूरे कोर्सेज के, ताकि बच्चों को किताबों के बारे में अंग्रेजी की कठिनता और समस्याओं की, क्योंकि देखा हुआ ज्यादा आसानी से समझ में आता है, जो चित्रों के माध्यम से ऑडियो विजुअल है वो तो हमारा प्रायोरिटी वो है। और तीसरा ये हम चाहते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट नेशनल इंपॉर्टेंस का जो इंस्टीट्यूट है, अगर वो डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरह से हम उसको डेवलप कर सकें तो हम अपने इंस्टीट्यूट में कुछ ऐसे कोर्सेज चलाएंगे जहाँ से हम सिर्फ शिक्षक और बेहतर शिक्षक और बेहतर इंडस्ट्रीज के लिए उनकी जो डिमांड के अनुसार हम ट्रेनिंग देके और सिर्फ
जैसे हमको ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री के लिए जाना है तो हम ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज के लिए इंजीनियर्स तैयार करेंगे जो कि उस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ही काम करेंगे और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेंगे। अभी हमारी मजबूरी है कि हम ऐसे करिकुलम खुद नहीं, हम कर सकते हैं डेवलप, लेकिन उसको डिग्री को मान्यता नहीं है। तो जब हम डीम्ड यूनिवर्सिटी हो जाएंगे तो हम ऐसे कोर्स डेवलप करेंगे कि मर्सिडीज के कोर्स हम डेवलप करेंगे तो मर्सिडीज में जाने के लिए हमारा बच्चा वही पढ़ेगा और वही एब्जॉर्ब हो जाएगा। हम टाटा मोटर्स के लिए कोर्स डेवलप करेंगे उनके वही बच्चा जाएगा। हम सरल शब्दों में समझें तो प्रदेश की जनता को हम अगले विजन की बात करें 5 साल के, वो कहता है कि निडर भोपाल डायरेक्टर प्रोफेसर विजय अग्रवाल चाहते हैं कि इसे पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले जिससे खुद के सिलेबस हों जिन पे काम हो सके और वो सिलेबसेस जो हैं वो कस्टमाइज सिलेबस बने, यानी कस्टमाइज सिलेबस नीड बेस्ड सिलेबस जो कि ज़रूरत होंगी हमारे इंडस्ट्रीज की। तो जब इंडस्ट्रीज की ज़रूरत को हम पूरा कर रहे होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट के सवाल खत्म हो जाएगा। ये बहुत बेहतर शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं और मतलब अगर उम्मीद की बात करें तो हम भविष्य में अगले 5 सालों में पहले डीम्ड और इसके बाद एक यूनिवर्सिटी, पूर्ण यूनिवर्सिटी का दर्जा हम देखना चाहेंगे प्रदेश की जनता के लिए, और ये बहुत बड़ी सौगात और एक कह सकते हैं असेट्स बनेगा प्रदेश के लिए। बिल्कुल। तो ये हम इस इंटरव्यू के फर्स्ट पार्ट को यहीं विराम देते हैं, कुछ मिनट्स के बाद फिर वापस आएंगे इसके उत्तराध में, यानी कि अंतर्मन। वेलकम बैक आईटीडीसी इंडिया प्रेजेंटेशन भोपाल, एक बार फिर स्वागत अपनों से अपनी सी बात और हमारा द्वितीय चरण यानी कि अंतर्मन। तो हम अब जानेंगे विजय अग्रवाल जी का अंतर्मन क्या कहता है। वेलकम बैक सर। अब हम सर जब अंतर्मन की बात करते हैं जी, इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्योंकि हम पर्यावरण दिवस की यू पर हैं, तो एक गंभीर संकट इस समय जो चुनौती है ये मानव जाति के साथ चुनौती है पर्यावरण को संरक्षित करना, जैसा है एटलीस्ट उतना बना के रख पाएं इसकी जो कोशिश है, तो उसके लिए आप अपना क्या विचार रखते हैं, क्या हो सकता है जिससे कि हम पर्यावरण बचा पाए। फिर एक शेर मुझे याद आता है कि कैसी मशाल ले के चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। हमारे पूर्वजों ने हमें क्या सिखाया, मुझे याद है मैं बचपन में माँ के साथ जाता था तो पीपल की पूजा होती थी, बरगद की पूजा होती थी, तुलसी की पूजा होती थी, आंवले की पूजा होती थी। आम को काटने पर यह दोष लगता था कि पुत्रवध की का दोष लगता है, आम को काट दिया आपने तो। ये हमारी वैल्यूज कहां चली गई, तो कहीं ना कहीं हमारा खुद का दोष है। हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते कि हमारे पूर्वजों ने इन पेड़ों की पूजा करना और इनको अपने परिवार का हिस्सा क्यों बनाया था, क्यों क्यों आंगन में तुलसी का चौरा होना चाहिए, क्यों दरवाजे पर आम का पेड़ होना चाहिए, क्यों नीम जरूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि नीम की निमकौली अच्छी लगती है, हमारे देवी गीतों में नीम की बात की जाती है कि अमुआ के तरे तरे निकली भवानी, या निमुआ के तरे तरे निकली भवानी, ये हम लोकगीत हैं। क्यों हैं ये, हमारे पर्यावरण से जोड़ने की कोशिश। वो जानते थे हमारे पूर्वज कि आगे आने वाले समय में अगर हमने इनकी इज्जत नहीं की तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ग्लोबल वार्मिंग आज हम रो रहे हैं, हमने सब अपनी सारी जो मान्यताएं थी सबको ध्वस्त करते हुए हम आधुनिकता की होड़ में इतनी तेजी से अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। हमको आधा ग्लास पानी पीना है तो हम एक ग्लास पानी लेके और आधा फेंक देंगे, उस वाटर प्योरिफिकेशन में कितना पैसा और कितनी एनर्जी और कितना मेहनत लग रही है। गांधी जी ने कहा था कि मदर अर्थ सब कुछ दे सकती है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसके पास सब कुछ है, लेकिन हमारी ग्रीड, हमारे लालच को पूरा करने के लिए नहीं है उसके पास। तो हम अगर अपनी लालच को कम नहीं करेंगे तो ये पर्यावरण तो हम बचा नहीं पाएंगे। हमको ये सोचना होगा कि हमारे पूर्वजों ने जिस धरोहर को हमारे हाथ में दी है, हम आगे वाले आने वाली पीढ़ी को वही धरोहर उससे बेहतर अगर नहीं दे पा रहे हैं तो हमको शर्मिंदगी है कि नहीं है। अगर ये भाव हमारे अंदर आएगा तभी हम पर्यावरण को बचा पाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हम मिनिएचराइजेशन की तरफ जाएं, ज्यादा बड़ा इंजन चलाइएगा ज्यादा कंजम्पशन होगा, छोटा इंजन चलाइए काम उतना ही करे। तो हमारी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट ऐसा होना चाहिए कि हमारी मोटर का जो इंजन में हमारा पेट्रोल का कंजम्पशन है उतनी ही दूरी चलने के लिए वो कंजम्पशन कम हो जाए, तो कार्बन भी कम जनरेट होगा। हमारे हमारे जो टेक्नोलॉजी का इतना एडवांसमेंट करिए कि एनर्जी का कंजम्पशन कम एनर्जी लगे और ज्यादा काम हो जाए।
एलईडी हमने बना दिया, अब 3 वाट का जो बल्ब है वो उतनी रोशनी दे रहा है जितना 60 वाट का ट्यूबलाइट देती थी। तो विज्ञान हमको पर्यावरण को बचाना सिखाती है। आधुनिकता की दौड़ में हम उन चीजों की तरफ ध्यान दें जो हमारे पर्यावरण को बचाए। अब हम ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद करें कि कंप्यूटर का की दबाने में 11 ग्राम अगर कार्बन खर्च हो रहा है तो कैसे 1 ग्राम खर्च हो, तो हम वो टेक्नोलॉजी डेवलप करें। तो चैलेंज विज्ञान के सामने ये है। उसके साथ साथ आम लोगों के साथ चैलेंज ये है कि उनको हम जागरूक बनाएं। सरकार क्या करेगी अकेले? जापान में लोग जागरूक हैं, उन्होंने कह दिया कि इतने माइक्रोन से कम की पॉलीथीन नहीं चलेगी बाजार में, कोई नहीं चलाएगा, कोई खरीदेगा ही नहीं, कोई ले ही नहीं जाएगा, मना कर देंगे कि हमको पॉलीथीन नहीं चाहिए। हम तो दुकान पे जाते हैं कहते हैं यार 2 और दे देना, हम रख के ले जाना चाहते हैं। तो दूसरा, रिसाइकलिंग की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, हम रिसाइकलिंग नहीं करते, हम ज्यादा से ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। उसके लिए यथासंभव संसाधन नहीं है, रिसाइकलिंग के बारे में तो माना जाता है। नहीं, संसाधन सब आ जाएंगे, हमारी आदत खराब है, हम कागज का दुरुपयोग करते हैं, हम प्लास्टिक ज्यादा यूज करते हैं, हम ई वेस्टेज, हमारा मोबाइल आया और हमने 3 महीने में हमको दूसरा चाहिए, हमारा टेलीविजन अब हम हर घर में टेलीविजन कबाड़ में चला जा रहा है, जैसी टेक्नोलॉजी बदलती है हम तुरंत चेंज कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रबंधन है वो पर्यावरण को ध्यान में रख के नहीं है। अभी भी हमारे यहाँ कहीं 2 रिसाइकलिंग वेस्ट, फूड वेस्ट या ऐसा वेस्ट जो हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, तो ऐसा हमने अभी कोई सिस्टम नहीं बनाया है। हमने कोई एक जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना हमारा मजबूत नहीं हुआ है कि हमारा पेट्रोल का कंजम्पशन कम हो। कोरिया में, जापान में, जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, अमेरिका को छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, फ्रिक्वेंटली चलने वाली ट्रेन्स हैं, लोग उसमें बैठ के जाना पसंद करते हैं। जो नई केंद्र सरकार आई है उसकी प्रायोरिटी में मुझे एक बात अच्छी लग रही है, पर्यावरण के प्रति वो जागरूक है और वो ये कह रहे हैं कि हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करेंगे, डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करेंगे। जी, जी। अगर हमारा डिलीवरी सिस्टम मजबूत होगा तो एनर्जी का कंजम्पशन कम होगा। बिल्कुल। मुझे लगता है कि हमारे चौपालों पे, पंचायतों के माध्यम से, पाठ्यक्रमों में तो हमने डाल दिया है, लेकिन कॉमन मैन को हम बताएं, चौराहे पे अगर कोई खड़ा है और लाल सिग्नल है तो पेट्रोल इंजन ऑफ कर दे, छोटी छोटी बातें अगर हम लोगों को समझा सके तो शायद हम पर्यावरण को बचा पाए। बहुत शानदार, जैसा मैं समझ पाया हूँ, जैसा प्रोफेसर विजय अग्रवाल कह रहे हैं कि अगर हम छोटी छोटी सूक्ष्म तरीके से देखना शुरू करें तो हम पर्यावरण के लिए बहुत सारा काम कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल संक्षिप्त शब्दों में कहना चाहूँ जो अग्रवाल साहब कह रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि मेरे मास्टर ने कहा है एब्सोल्यूट मोरलिटी के बारे में कि मिनिमल वेस्टेज ऑफ ऑल रिसोर्सेज कॉल्ड एब्सोल्यूट मोरलिटी। तो अगर हम हमारे संसाधनों का न्यूनतम वेस्टेज करें, उपयोग आप चाहे जितना कर सकते हैं लेकिन अगर उसका अपव्यय जो है वो हम न्यूनतम करेंगे तो संभवतः हम लोग नैतिक मूल्यों पर उच्चतम स्तर पर होंगे। तो आशा भी की जाती है कि नैतिक मूल्यों को हम बढ़ाएं और उन पर काम करें, और पर्यावरण के, जैसा कि विज्ञान साहब ने बताया कि विज्ञान हितेशी है पर्यावरण का, उसके लिए काम करता है, लगातार वो संसाधन दे रहा है आपको जिससे कि आप पर्यावरण बचा सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, तो हमें उस पर काम करना होगा। एक चीज और मैं कहूँगा जी, एक विज्ञापन आता है कि उसकी कमीज मेरी कमीज से उजली क्यों जी, पर्यावरण को सत्यानाश करने में यही हो रहा है। हम एक दूसरे की तुलना में ज्यादा दिखाना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव बन रहे हैं। एक मोहल्ले से हम एक संस्थान में नौकरी करने आते हैं, एक कार में 4 आदमी बैठ के आ सकते हैं, बिल्कुल 4 कारें चलेंगी, एक ही दिशा में हम जा रहे हैं, हम अलग अलग गाड़ियों में जाएंगे, तो हम कम से कम 4 आदमी 1/4 ईंधन तो 3/4 बचा सकते हैं, बिल्कुल 3/4 बचा चुके हैं। और विदेशों में है, विदेशों में लोग कार से तब चलते हैं जब 4 लोग 5 लोग होते हैं, और अब दिल्ली में शुरू हो गया है, दिल्ली में जो सेक्रेटरिएट में जो लोग एक डायरेक्शन से आते हैं वो अब एक साथ आने की कोशिश करते हैं और पेट्रोल का खर्चा आपस में शेयर करने लगे हैं। तो ये जागरूकता पैदा करना बहुत जरूरी है, ये नेशनल वेस्टेज है, हमको ये समझना चाहिए कि जो ये पैसा सरकार से सब्सिडी हम मांग रहे हैं, अगर हम पेट्रोल कम खर्च करें या गैस कम खर्च करें तो शायद हम जो विदेशों में पैसा दे दे के पेट्रोल और गैस ला रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वो हमारा ही पैसा खर्च हो रहा है,
हमको सब्सिडी मांगने की जरूरत ही नहीं, अगर अपव्यय हम रोक सके। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी हम क्या होता है, गीजर हमने चालू कर दिया और 4 घंटे गीजर चल रहा है, जरूरत नहीं है हमको। हमने एसी ऑन कर दिया और वहां से चालू है और यहां से ऑफ कर दिया रिमोट से, कंजम्पशन तो बिजली का हो रहा है। छोटी छोटी चीजें, इस अपव्यय को अगर हम रोक सके तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। मैं फिर से एक बार एक ऐसे प्रश्न की तरफ जाऊं जो आज की बहुत महती आवश्यकता बन रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, स्त्री सशक्तिकरण की बात ये सदियों से चली आ रही है। इस पर लगातार मुद्दों पर पुरुष प्रधान समाज में उठाया जाता रहा, लेकिन कभी कभी दबता रहा, कभी कभी उठता रहा, पर अब एक ऐसी जगह आ गए हैं जहां हम ट्रांजिशन में हैं, हमें इनके लिए काम करना ही होगा। तो आपको क्या लगता है कि महिला सशक्तिकरण कैसे हम कर सकते हैं या कैसे बनाया जा सकता है, जिसे हम कहेंगे कि सब ये ट्रू लेवल का सशक्तिकरण है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो सामाजिक स्थितियाँ हैं इसके लिए बहुत जिम्मेदार हैं। हम जमाने से कहते आ रहे हैं कि यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो हमारे तो पुराणों ने, वेदों ने, हमारे संस्कारों ने स्त्री का सम्मान करना हमें सिखाया है, हमारी घुट्टी में पिलाया गया है। तो ये समाज में ऐसा क्या हो रहा है इस समय जो जो चल रहा है, जो आज देख रहे हैं हम, ये सच में चिंता का विषय है कि हम तो फिर मैं कहूंगा कि हमारी कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली में दोष है। हम उनको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ले जा रहे हैं, बातें हम करेंगे लेकिन दिल के अंदर हमारे सम्मान है क्या? तो हमारे यहाँ कहा गया कि अपनी माँ के अलावा दूसरे की भी माँ को माँ समझो, उसका भी सम्मान करना सीखो, स्त्री का सम्मान करना सीखो। साहब, इसके लिए बीच में जैसे हमने कई इंटरव्यूज में बात की, स्टेट गवर्नमेंट के पास एक सब्जेक्ट था पुराने समय में नैतिक शिक्षा नाम से, जो कक्षा 4 तक चला करता था, जो धीरे धीरे शाने शाने वहाँ से विलुप्त हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस तरह से प्रयास आगे नहीं बढ़ाए जिनमें इसको लाया जा सके। क्या आपको नहीं लगता ये फिर से वापस हमें लाना जरूरी हो गया है? मैं जो है आपकी बात से आंशिक रूप से सहमत हूँ। स्कूलों में पढ़ा करके, पढ़ा तो अभी भी रहे हैं बहुत जगह, उससे कुछ नहीं होने वाला। दरअसल हमारा जो परिवार था, जो संयुक्त परिवार था, वो टूटा है। अब हम एकाकी परिवार में हैं। माँ बाप को बच्चे के लिए समय ही नहीं, थोड़ा बहुत जो समय है वो टेलीविजन देखता है, टेलीविजन पे जो दिखाया जा रहा है उससे समाज बेहतर नहीं होने वाला। और आप जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन के अगर फायदे हैं तो नुकसान भी है, तो आपने पश्चिम का अंधानुकरण किया और उसके दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं आज। तो बच्चों का प्रशिक्षण माँ करती थी और पिता करते थे, तो अब ना माँ के पास टाइम है ना पिता के पास टाइम है। तो पहले तो पेरेंट्स को सोचना होगा कि अगर बच्चे हमारे खराब हो रहे हैं तो क्योंकि इसी को मैं बढ़ाऊंगा अभी आगे जाके, तो कहीं ना कहीं हमको हमारी जिम्मेदारी है। मेरे एक मित्र ने कहा, किसी ने कहा कि बयान दिया अखबार में कि लड़कियों को रात में 10 बजे से ज्यादा सुरक्षित नहीं है लड़कियां, इसलिए 10 बजे के बाद लड़कियों को घर से ना निकलने दे। तो हमारे मित्र ने कहा कि अपने अपने लड़कों को घर में बंद करके रखो, लड़कियों को निकलने दो। बहुत सही बात। खतरा जिनसे है उनको बंद करके उनको रखो, बंद कर दीजिए। जो जिनको खतरा है उनको आप बंद कर रहे हो तो आप चेंज कहां कर रहे हो? कहीं से आपने मानसिकता में परिवर्तन तो नहीं लाए? हाँ, सिर्फ एक सुरक्षा के सेफ्टी आपने देने की कोशिश। तो कहीं कहीं ना कहीं जो स्वेच्छाचारिता है उसको रोकने की जरूरत है और स्त्री का सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ तो बराबरी का दर्जा है, स्त्री मजबूत होगी तो समाज भी मजबूत होगा, परिवार भी मजबूत होगा। आज भी हमारे घरों में जब हम कोई मेजर डिसीजन लेते हैं तो परिवार में चर्चा करके पत्नी से डिसीजन करते हैं, मेजर डिसीजन, नौकरी का डिसीजन, कहीं जाने का डिसीजन, तो सलाह तो हम लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। तो स्त्री कमजोर कहाँ हुई? स्त्री कमजोर हुई जहाँ आपकी जरूरत है, जहाँ आपने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया वहां स्त्री कमजोर है। ये काम स्त्री के बस का नहीं है, ये काम पुरुष का है। तो कहीं ना कहीं हमारा पुरुष प्रधान समाज आड़े आता है, तो हमारी सोच बदलनी चाहिए, बहुत जरूरी ये है। स्त्री कहीं से कमजोर नहीं है। आजकल तो जो काम लड़के कर रहे हैं वो लड़कियां कर रही हैं, बराबर से कर रही हैं और आज बेहतर कर रही हैं। लड़कियों के पास तो घर के काम 50 होते हैं, उसके बाद भी बेहतर कर रही है, रिजल्ट उनके अच्छे आ रहे हैं, तो उनकी बौद्धिक क्षमता में कोई कमी नहीं है। यानी सुरक्षा उनको समाज में सुरक्षा जो देने की जिम्मेदारी है वो समाज के उन लोगों की जिम्मेदारी है जो समाज को चलाते हैं, और समाज को चलाने के लिए जो हमारा पितृ प्रधान समाज है, पितृसत्तात्मक जो पुरुष प्रधान समाज है, ये उसकी जिम्मेदारी है
कि लड़कियां समाज में सुरक्षित रहें और उनको जो बराबरी का दर्जा है वो उनको उस सही मायने में मिले। सशक्तिकरण खुद हो जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं, वो सक्षम है। यानी जैसा प्रोफेसर विजय अग्रवाल बता रहे हैं कि सशक्तिकरण कोई ऐसा नहीं जिसे अलग से लाया जाएगा, ये स्वतः आने वाला शब्द है जिसके लिए हमें उन्हें सिर्फ बराबरी का दर्जा देना है, उन्हें सिर्फ अपने बराबर से खड़ा करना है और बराबर मानना है। जो सदियों से चली आ रही दोयम नीति है उसे हमें छोड़ना होगा। यानी अगर हम कहीं पर भी सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं या हम भेद की बात करते हैं, लिंग भेद की बात करते हैं, अगर इन सब से हम परे जाने की कोशिश करें, उनको एक बराबर से माने, हम मेल फीमेल में फ़र्क खत्म कर दें अपने अंदर, तो संभवतः इसकी तरफ बढ़ पाएंगे। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने साथ में उठाई कि अगर जो मैंने नोटिस की और जो बहुत महती ज़रूरत है समाज की, पुरुष प्रधान समाज की महती ज़रूरत है, कि इन्हें सुरक्षा आपने देना है, और अगर आपने देना है तो सबसे पहले अपने आप पे लगाम लगानी होगी, और वो लगाम होगी आपकी स्वेच्छाचारिता छोड़नी होगी, जो आज के समय में लोग शब्दों में बात नहीं करना चाहते लेकिन साहब ने उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो मे मास्टर ब्लेस कि हम सब इस तरफ बढ़ेंगे और उन बातों को मानेंगे जो वो कह रहे हैं। तो अग्रवाल साहब, मैं इसमें अंत में एक तरफ इसमें आगे बढ़ाऊंगा, जो बीच में आप सब्जेक्ट ले आए थे, जो मेरा सब्जेक्ट था लेकिन आपने उसको पहले ही छीन लिया था, बच्चों की बात कर रहे थे। अभी बीच में एक लंबे समय से मैटर ऑफ कंसर्न हुआ है देश में, जैसा कि आपको भी जानकारी होगी, मध्य प्रदेश जुबिनल क्राइम्स में टॉप लीड कर रहा है, और शायद 2009 का, मैंने हर इंटरव्यू में इस बात को उठाया है, 2009 जिसमें महाराष्ट्र को लीड मिली थी, बाकी हर पिछले 10-15 साल से हम देखें तो सिर्फ मध्य प्रदेश नंबर वन पर है इन क्राइम्स में, जो कि 10 से 17-16 साल के बच्चे करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम क्राइम की बात ना करें, हम ये बात करें क्या इन्हें कम किया जा सकता है, या कम करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या वो लाएं मेजर्स जो बहुत कारगर होंगे? क्योंकि सब अपनी अपनी बात करते हैं कि पेरेंटिंग को दोष दे दें, दोष तो सब तब दे सकते हैं, पर क्या सुधार के कहीं प्रयास हो सकते हैं, उस पर आप बताएं। देखिए, मैंने जहां से बात शुरू की थी मैं इसका हल भी वही है जी। अचानक से एक बच्चे को दिखता है कि रातों रात करोड़पति हुआ जा सकता है, फलाने के पास कुछ नहीं था और 5 साल में उसकी अट्टालिका खड़ी हो गई, कोई जादू की छड़ी से कुछ नहीं हुआ, मेहनत किया होगा या कहीं से चोरी की। बिल्कुल, हर आदमी को जरूरत से ज्यादा और बिना किसी प्रयास का अर्न करने के लिए अगर सोचने की बात पड़े तो सबसे अच्छा तरीका होता है क्राइम। कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी हिम्मत करना है और जाके आप लूट लीजिए और आप करोड़पति बन सकते हैं, बैंक लूट लीजिए, चेन खींच लीजिए। कहीं ना कहीं हमारा जो ये दोष है कि हमको पैसा चाहिए, बिल्कुल, तो पैसे की अंधी दौड़ में और प्रगति की अंधी दौड़ में और आधुनिकता की अंधी दौड़ में एक लड़के के पास मोबाइल है क्लास में और एक का बच्चा गरीब घर से आता है, उसके मन में सहज ये प्रश्न उठता है कि यार इसके पास तो मोबाइल है, हमारे पास नहीं है, तो वो मीन्स अपनाने लगता है कि उसके पास भी मोबाइल है। वो आज ग्लैमर की दुनिया में चकाचौंध से वो है, पीड़ित है। बच्चे का जो कोमल मन है, बच्चा पैदा होते ही थोड़ा अपराधी होता है, वो धीरे धीरे सीखता है अपराध। अगर आप किशोर मन का मनोविज्ञान पढ़ें तो वो हमारे आसपास के परिवेश से प्रभावित होता है, घर से सीखता है। अब माँ बाप आपस में लड़ते हैं तो बच्चा क्या प्रेम सीखेगा? तो आप तमाम सारे किशोर अपराधियों को देखें तो उसके मूल में क्या है? उनके मूल में परिवार का संतोष है। परिवार गड़बड़ हुआ, बच्चे को प्रेम नहीं मिला, बच्चे की परवरिश प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, वहीं पे पनपता है उसका। फिर वो घर से बाहर कहाँ जाएगा, जहाँ जो उसकी बात सुनेगा, तो ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर बात सुनने वाला गड़बड़ है, तो उसके मन में वो बातें पैदा कर देता है, तो वो अपराध की तरफ प्रवृत्त हो जाता है। तो सबसे जरूरी यह है कि पहले हम अपने घर को ठीक करें, बच्चे की जो परवरिश है वो प्रॉपर तरीके से हो। नैतिक शिक्षा की फिर बात आती है। अब हमने जो पढ़ा था तो हमारे मन में आज भी वो बातें ध्यान में हैं कि वो दादी के, उसको पैसा मिला, मेले में गया और उसने दादी के लिए चिमटा खरीदा, क्योंकि उसने देखा था कि रोटी सेकते समय कोयले से दादी के हाथ जल जाते। ये जो मन में कोमल भाव है ये कैसे पैदा होगा? सभी ने घोड़े खरीदे, किसी ने वो खरीदा, उसने चिमटा खरीदा। चिमटा खरीदा, वो कहानी हमेशा याद आती है। तो बाबा भारती की कहानी मुझे याद आती है कि भाई
हमको तुमने लूट लिया लेकिन किसी को बताना नहीं, क्योंकि फिर कोई किसी की मदद नहीं करेगा। तो हमारे हमारे पाठ्यक्रमों में इस तरह की चीजें आनी चाहिए। ये हमें हमें मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं, ये हमें मजबूती सिखाते हैं। और ये कोशिश एनसीईआरटी को मैं साधुवाद करूंगा इस बात के लिए कि एनसीईआरटी लगातार ऐसी कोशिश कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट के सिलेबस की नहीं कहूँगा, लेकिन एनसीईआरटी के सिलेबस में एक बार अभी बीच में कहानी पढ़ी थी मैंने, जिसमें चौराहे पर लगी मूर्ति का चश्मे की बात करते हैं कि उसमें चश्मा लगा हुआ था किसी महापुरुष के उस पर, लेकिन लंबे समय में शायद वहाँ पर जो व्यक्ति था जो सामने दुकान चलाता था वो उस पर रोज हार डाल देता था, उस पर आके फूलमाला कर देता था। लेकिन बाद में देखा गया कि एक बार उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है जो दुकान चलाता था, फिर फूलमाला डालना बंद हो जाती है। पर लास्ट में देखते हैं उसका जो चश्मा था वो चश्मा चोरी चला जाता है। कहानी उस पर डिपेंड है कि चश्मा चोरी चला जाता है, तो वो जो लेखक है वो बड़ा दुखी हो जाता है कि मैं इस जगह आया और यहाँ के लोगों का इस स्तर तक पतन हो गया कि चश्मा चला गया। लेकिन जब वो सुबह जा रहा होता है तो एक बार उसके जाने अनजाने उसके मन में आता है कि एक बार और उस मूर्ति को देखें, तो उससे जाके देखता है तो वहाँ किसी ने झाड़ फानूस से लेकर एक चश्मा रख दिया था उस मूर्ति पर। तो वो उसमें उस झाड़ फानूस के बने चश्मे में वो बताएं बहुत उम्मीदें देखता है। मैं उस उम्मीदों की बात करता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि अगर हम अगर भविष्य की तरफ देखें तो क्या वो हमारी व्यवस्था है, वो उम्मीदें हमारे देश में? देखिए, मैं तो आशावादी व्यक्ति हूँ, निराशा में विश्वास नहीं करता हूँ, और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश का जो भविष्य है, हमारे बच्चों का जो हमारे नौजवानों का भविष्य है, बहुत अच्छा है। आज तो अमेरिका और चाइना भी हमसे भयभीत हैं हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को लेकर के, तो उम्मीद बहुत है। सही दिशा देने की जरूरत है। हमारे यहाँ क्षमताओं की कमी नहीं है, प्रतिभाएं कमजोर नहीं है। अगर हमारी प्रतिभा कम होती तो 500 नासा में वैज्ञानिक काम कर रहे होते। आज हम स्पेस शटल भेज रहे हैं, मंगलयान की हम सैर कर रहे हैं, क्रायोजेनिक इंजन अमेरिका ने बंद कर दिया, हमने खुद डेवलप कर लिया, परम हमने तैयार कर लिया। आज बिल ग्रेट को ये कहना पड़ रहा है कि इंडिया में अगर पायरेटेड सॉफ्टवेयर हमारा यूज हो रहा है, करने दीजिए, ये तो आगे चल के हमारे ही लिए काम करने वाले लोग हैं, तो हमारे लिए हो रहे हैं। तो हमारी बौद्धिक क्षमता में कोई कमी नहीं है, दिशा सही मिलनी चाहिए। यानी आपने दो सटीक बातें रखी हैं कि हमें घर से शुरुआत करनी होगी, घर को ठीक करना होगा, घर बेहतर होगा तो उम्मीद है नई जो कॉपले हैं वो बेहतर होगी। और दूसरी बात जो सर कह रहे हैं कि उन्हें दिशा निर्देश, अगर आप लगातार जैसे माली करता है वही काम होता रहता है कि कटाई लगातार होती रहेगी वो सीधा बढ़ेगा, तो ये हमें लगातार उनको मॉनिटर करना है जब तक कि वो उस मकाम पे ना आ जाएंगे जिसे टीनेज कहते हैं, उस पर काम करना होगा। मैं एक बात और कहूँगा, मैं फिर कहूँगा कि अब्राहम लिंकन ने जो अपने बेटे के लिए कहा था उस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सब कुछ सिखाएं बच्चे को, लेकिन ये जरूर सिखाएं कि वो गरीब के जो आंखों से आंसू बह रहा है उसको पोछने का काम कैसे करेगा, जो दुखी पीड़ित लोग हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे आएगी। तो अगर ये दो चीजें इंसानियत बची रहेगी तो हम पूरी दुनिया में तरक्की करेंगे और परचम हमारा लहराएगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। अंत में मैं सिर्फ दो बातें रखूंगा, एक तो संदेश आपका और दूसरी बात ये कि आप इतना पिछला अगर पीछे जाते हैं, आप अपने आप को देखते हैं तो जैसे हम देखते हैं हमारा प्रेस मीडिया देखता है, आपने जो काम किए हैं जिस लेटर को जिस मकाम पर ले गए आज, तो आप क्या अपने आप से सेटिस्फाई करते हैं जहाँ तक आप काम कर सकते हैं? उस काम की बात करें, आगे तो फिर से मिलेंगे आपको काम, लंबे फिर दायित्वों के साथ होंगे, और पुरानी बात करें तो आप क्या सोचते हैं, क्या आप संतुष्ट हैं? एक शेर से ही अपनी बात कहूँगा कि जब से चला हूँ मंजिल पर है नजर मेरी, मैंने रास्ते में मील का पत्थर नहीं देखा। तो हम जिस उद्देश्य के लिए आए हैं कि हम जिस इंस्टीट्यूट में हैं उसको हमें वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट बनाना है, अगर संतुष्टि का भाव आ जाएगा तो काम रुक जाएगा। क्योंकि आप संतुष्ट पहले पड़ाव पर हैं। संतुष्ट मैं होना नहीं चाहता, क्योंकि जिस दिन संतुष्ट हो जाऊंगा उस दिन मेरी तरक्की रुक जाएगी। जितना मैंने काम किया है बहुत कम है, और काम करने की जरूरत है। ये काम मैं करूं या कोई और करे, लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। चैलेंजेस इसलिए बहुत ज्यादा हैं कि ये दुनिया प्रतिस्पर्धा का जमाने में हम जी रहे हैं, और शॉर्टकट से कुछ नहीं हासिल होगा। हमने अगर शॉर्टकट किया तो तात्कालिक लाभ तो हमको मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग रन पे वो पे नहीं करेगा। तो मैं तो अपने बच्चों को हमेशा यही कहता हूँ कि अपना अध्ययन पूरा करो, परिपक्व मनुष्य बनो, दूसरों के दुख में दुखी होना सीखो। आप दूसरे के सुख में शरीक ना हो ना कोई बात नहीं, दुख में जरूर शरीक हो। और एक बेहतर इंसान अगर आप नहीं बनेंगे तो आपका इंजीनियर बनना, आपका कुछ भी बनना व्यर्थ है अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं बनते। बहुत शानदार। आप अंत में हमारे प्रदेश की जनता की बात करें तो आप क्यों, मैसेज आपके दिल में है यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के सिटीजन्स के लिए, तो प्लीज़ आप दें हमारे कैमरे पर जो प्रदेश को जाए
और प्रदेश की जनता आपसे लाभान्वित है। अब मैं दो बातें कहना चाहता हूं, एक तो अभिभावकों से कि अपने बच्चों के ऊपर कोई मानसिक दबाव ना बनाएं कि उनको क्या पढ़ना चाहिए, उनको आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा उनके ऊपर लाद रहे हैं, आप उनको इंजीनियर बनाना चाहते हैं आपकी इच्छा है आप उन पर लाद रहे हैं, आप अपने बच्चे की इच्छा पूछिए कि वो क्या बनना चाहता है, उसे आप गाइडेंस दीजिए, उसकी आप काउंसलिंग करिए, लेकिन उसके ऊपर आप आरोपित मत करिए, क्योंकि आपने जब आरोपित किया तो आपने उसे उस तरफ ठेल दिया जहां वो नहीं जाना चाहता, और उससे न तो आपने उसका भला किया न अपना भला किया। दूसरी बात मैं अपने प्रदेश के बच्चों से कहना चाहता हूं, जो मैंने पहले भी कहा था कि शॉर्टकट नहीं है, बिना मेहनत के अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं आज के जमाने में वो हासिल नहीं हो सकता, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, आप गणित से, अंग्रेजी से, फिजिक्स से, साइंटिफिक टेम्परामेंट से जितना दूर भागेंगे आपको जीवन में उतनी ही कठिनाई झेलनी पड़ेगी, इसलिए आप भाषा को पढ़िए, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बहुत जरूरी है, आप अपनी मातृभाषा से प्रेम करिए, दूसरी भाषा से घृणा मत करिए, अंग्रेजी संपर्क की भाषा है, आप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाएंगे, आप देश के दूसरे हिस्से में जाएंगे, वहां आपके संपर्क की भाषा है, लेकिन अपनी मातृभाषा से प्रेम करिए, आप अपने हिंदुस्तान से प्रेम करिए, आप अपने कौशल के साथ लगाव रखिए, लेकिन आपके जो दृष्टि है वो व्यापक होनी चाहिए, और पूरी की पूरी जो हमारी कायनात है जिसको हम कहते हैं कि हमारी वसुंधरा, तो जिसके लिए संस्कृत में कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, क्योंकि हम कहते हैं कि सारा की सारी वसुधा हमारा कुटुंब है, तो हम अगर इस मूल मंत्र को मान के चलते हैं तो हम शायद जीवन में सफल होंगे। थैंक यू प्रोफेसर विजय अग्रवाल। मैं आपके बोलने के बाद लगता है कि मुझे मौन होना बेहतर लगेगा, क्योंकि अब शब्दों में कुछ नहीं बचा जिनसे आपको मैं बयां कर पाऊं, पर तब भी यही कहूंगा कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड टू चेंज द वर्ल्ड, सो यूज इट। थैंक यू निटर भोपाल, थैंक यू भोपाल। मैं आपके तमाम सारे दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं प्रदेश के जनता के बीच में अपनी बात रख सकूं, और एक बात ये जरूर कहूंगा कि जो हिंदुस्तान की सरकार है उसकी प्राथमिकताएं टेक्निकल एजुकेशन में और स्किल डेवलपमेंट की हैं, और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हमारे देश के नौजवानों को एक बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद। थैंक यू अग्रवाल साहब, और आपको पुनः शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू।